नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्लैब के कॉर्नर पर यह डिजाइन किस तरीके से बनाई जाती है। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी था कि स्लैब के कॉर्नर पर यह डिजाइन किस तरीके से बनती है, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको स्टेप टू स्टेप बताएंगे कि स्लैब के कॉर्नर पर इस डिजाइन को बनाने का फुल प्रोसेस क्या है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले यदि हम डिजाइन बनाने वाले मटेरियल की बात करें तो मार्केट में एक मटेरियल आता है जिसका नाम है POP। यदि हम इस बैग की क्वांटिटी और प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 20 किलोग्राम का बैग मिल जाएगा, और 20 किलोग्राम के बैग का जो प्राइस होगा वो 200 रुपए के आसपास होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह POP का 20 किलोग्राम का बैग है और इसका प्राइस 200 रुपए है। तो स्लैब के कॉर्नर पर POP डिजाइन बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि वाटर यानी कि पानी में POP मटेरियल को कुछ इस तरीके से डाला जाता है, और POP मटेरियल को पानी में डालने के 10 से 15 मिनट बाद इस मटेरियल की स्थिति कुछ इस तरीके से हो जाती है कि इस मटेरियल को किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पानी में मटेरियल को मिलाने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर कुछ इस तरीके से मटेरियल हो जाता है। जब आपका मटेरियल कुछ इस तरीके से हो जाए तो इस मटेरियल को किसी भी साइज, किसी भी शेप, किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो मटेरियल को कुछ इस तरीके से बनाने के बाद स्लैब के कॉर्नर पर जहां पर भी आपको POP डिजाइन करानी है उस स्थान पर इस मटेरियल को रखा जाता है। और मटेरियल को रखने के बाद एक माउल्ड आता है यानी कि एक खांचा आता है। आप देख सकते हैं कि खांचा कुछ इस तरीके से होता है। यदि हम इस माउल्ड के साइज की बात करें तो 5 इंच का है, तो इसी तरीके से 9 इंच का भी खांचा आता है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जिस साइज में POP कराना चाहते हैं उस साइज का माउल आपको यूज करना पड़ेगा। यदि हम स्लैब की थिकनेस की बात करें तो स्लैब की जो थिकनेस होती है वो 5 इंच होती है। तो स्लैब के कॉर्नर पर जो POP की डिजाइन की जाती है वो स्लैब की थिकनेस के बराबर की जाती है, यानी कि 5 इंच में की जाती है। तो इस खांचे का जो साइज है वो 5 इंच है। तो POP मटेरियल को स्लैब के कॉर्नर पर रखने के बाद आप देख सकते हैं कि खांचे से यानी कि माउल्ड से कुछ इस तरीके से खींचा जाता है, यानी कि खींच दिया जाता है। और POP को माउल्ड से खींचने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से POP की डिजाइन बनकर तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी स्लैब के कॉर्नर पर POP डिजाइन बनाई गई है। POP डिजाइन बनाने के बाद स्लैब को कंक्रीटिंग के लिए तैयार किया जाता है, और स्लैब को तैयार करने के बाद कंक्रीटिंग कर दी जाती है, और कंक्रीटिंग करने के 10 से 15 दिन बाद स्लैब को ओपन कर दिया जाता है, यानी कि स्लैब की जो शटरिंग होती है वो हटा दी जाती है। और शटरिंग को रिमूव करने के बाद यानी कि शटरिंग को हटाने के बाद POP मटेरियल नीचे गिर जाता है और स्लैब के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके की डिजाइन बनकर तैयार हो जाती है। आप इस स्लैब के कॉर्नर पर देख सकते हैं कि POP की डिजाइनिंग की गई है और दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आप इस स्लैब के कॉर्नर पर देख सकते हैं कि POP डिजाइन करके स्लैब के कॉर्नर पर यह डिजाइन बनाई गई है जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका घर, आपका स्लैब दिखने में अच्छा दिखे, तो आप भी इसी तरीके से वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी गई इसी जानकारी को फॉलो करते हुए आप POP की डिजाइन करा सकते हैं। यदि आपको समझ में आ गया कि स्लैब के कॉर्नर पर डिजाइनिंग किस तरीके से की जाती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी कंसल्टेंसी में कॉन्टेक्ट करके घर का नक्शा बनवा सकते हैं। कंसल्टेंसी का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।